तो हाई कोर्ट की तरफ से लगा कि नहीं, बिहार में 65% का आरक्षण का दायरा बढ़ ही नहीं सकता है। तब सम्राट चौधरी ने ये कहा था कि इस मुद्दे को लेकर के हम शीर्ष अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमने जो नीरज कुमार बयान देते हैं, ट्विटर बॉय, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं तेजस्वी बन गए, उससे रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं। सही बात है, सदन में ये बयान, अगर इन सब चीज़ों को जो वो ट्वीट कर रहे हैं, अगर इन चीज़ों को सदन में उठाते तो कितना अच्छा। गोपालगंज में राजद के पंचायत अध्यक्ष की निर्मम हत्या, ये सब बात अगर वो सदन के अंदर उठाते तब लगता कि नेता प्रतिपक्ष अपना काम कुछ अच्छे ढंग से कर रहे हैं। सदन में उठाना उनके लिए बेहद ज़रूरी था ये सब मैटर। तेजस्वी यादव को यही मौका मिल, 5 सीटें घट गई। तो देखिए, बीजेपी को भी ऐसा लगता है, क्योंकि बाबा से हम चर्चा कल ही कर रहे थे, कि जो संजय जायसवाल थे, बनिया का एक वोट बैंक, कहीं ना कहीं बीजेपी की लाज पिछली बार बचा ली थी। तो 2019 का वो पैटर्न और 2024 का पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ था बीजेपी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है, जहां बिहार की राजनीति में रातों रात हुए इन बड़े घटना के बारे में आज सुबह सवेरे हम चर्चा करने बैठे। हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। रत्नेश, पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि सम्राट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा, साथ ही सीएम नीतीश को भी लगा है, क्या झटका लगा है? सम्राट चौधरी को झटका पहले ही लग चुका है जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली गई। अच्छा। उनके जगह पे दिलीप जायसवाल अब आके बैठे हुए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम की तो कुर्सी है, डिप्टी सीएम की है, लेकिन कब तक है ये तो फिक्स नहीं ना है। कभी भी कुछ भी बड़ा खेल हो सकता है सम्राट चौधरी के साथ। दिल्ली गए थे, नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है, हालांकि नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद तो कर, हाँ, मतलब उनको लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी ने कह दिया है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को, खासतौर पर बिहार के जो प्रभारी हैं या फिर जेपी नड्डा हैं, उनको ये कह दिए कि सम्राट की कुर्सी सेफ रखनी है। लेकिन कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि सम्राट की कुर्सी सेफ रहेगी, कहना तो प्रदेश अध्यक्ष का भी था, बिल्कुल बिल्कुल, उनको मतलब उनका मन था कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बची रहनी, हाँ, चाहिए, और डिप्टी सीएम की कुर्सी भले आप ले लीजिए। अच्छा, डिप्टी सीएम की कुर्सी हमें नहीं मतलब है, उससे मोहमाया नहीं है, आप प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मतलब सेफ रहने दीजिए। लेकिन सम्राट चौधरी को बीजेपी ने एक तगड़ा झटका दिया, उनकी जगह पर दिलीप जायसवाल को बैठा दिया। इसके साथ साथ अब देखिए, बिहार सरकार को इसमें एक बड़ा झटका ये लगा है कि जो 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाने का जो बात था, जो 65% आरक्षण के दायरे को लेकर के नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर ये कहा था कि बिहार में अब 65% आरक्षण रहेंगे, इस पर सुप्रीम, पहले तो हाईकोर्ट की तरफ से लगा कि नहीं, बिहार में 65% का आरक्षण का दायरा बढ़ ही नहीं सकता है। तब सम्राट चौधरी ने ये कहा था कि इस मुद्दे को लेकर के हम शीर्ष अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमने बीते दिनों, शनिवार की ही बात है, जब मैंने आपको कहा था कि ये खबर आया है, आप ऐसा खबर कर दीजिए, तो आपने किया भी था, हाँ, कि सुनवाई हो रही है, ये मामला उठा और फिर एक बार सुनवाई हुई, लेकिन मामला फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में अटक गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार के हाईकोर्ट है, पटना का हाईकोर्ट, उन्होंने समर्थन कर दिया, बोले कि जो हाईकोर्ट कह रहा है वो बातें सही है, बिहार में आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ सकता। तो ये एक तगड़ा झटका लगा है। इस झटका से क्या होगा कि जो तेजस्वी यादव हैं, जो विपक्ष हैं, उस पर कहीं ना कहीं उनको एक ब्राउनी पॉइंट मिल गया विरोध करने का, कि आरक्षण विरोधी है भाजपा, जो आरोप लगते रहे हैं हमेशा कि भाजपा आरक्षण विरोधी काम करती है, आरक्षण को ही समाप्त कर देगी भाजपा, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए एक मतलब मिल गया पावर, ब्राउनी पॉइंट हो गया। इस पे भी ट्वीट कर देंगे, इस पे भी वो ट्वीट करेंगे, हालांकि अभी तक तो ट्वीट आया नहीं है उनका। लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, ये एक प्लस पॉइंट हो गया विरोध करने का, भाजपा आरक्षण विरोधी है, भाजपा आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहती है, भाजपा चाहती ही नहीं कि आरक्षण दलितों, शोषितों को आरक्षण मिले। अच्छा, ऐसा नीतीश भी टेंशन में है क्या? बिल्कुल टेंशन में है, क्यों नहीं टेंशन में होंगे, उन्होंने इतना खर्च कराकर जातिगत जनगणना कराई है, तेजस्वी के दबाव में उन्होंने जातिगत जनगणना कराया, जिस वजह से आपने देखा कितनी उनकी किरकिरी उड़ी थी, कितना परेशान थे नीतीश कुमार, जातिगत जनगणना कराइए, इतने प्रेशर में तेजस्वी यादव ने डाल दिया कि जब वो एनडीए गठबंधन में थे तब एनडीए गठबंधन के सारे नियम कानूनों को, मतलब गठबंधन के नियम कानूनों को ताक पर रख के वो नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव के साथ गए थे मिलने के लिए कि नहीं, बिहार में जातिगत जनगणना कराया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि केंद्र सरकार नहीं कराएगी, राज्य सरकार अपने खर्च पर कराए, और जब
आते हैं नीतीश कुमार इधर इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में, तो नीतीश कराते हैं, और जब कराते हैं तो 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात करते हैं। हालांकि दोनों कोटों से उनको झटका मिल गया है। अब देखते हैं आगे इस पर क्या मंथन करेगी एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार क्या इसको लेकर के फैसला लेते हैं। अच्छा रत्नेश, तेजस्वी यादव ने क्या पोल खोल दिए हैं, बहुत चर्चा है इस बात। जी देखिए, तेजस्वी यादव तो लगातार नीतीश कुमार की पोल खोलते रहे हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, भले ही वो सदन में जाए ना जाए, जो नीरज कुमार बयान देते हैं ट्विटर बॉय, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो वो कहीं ना कहीं तेजस्वी बन गए, उसका रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं। और सही बात है, सदन में ये बयान, अगर इन सब चीज़ों को जो वो ट्वीट कर रहे हैं, अगर इन चीज़ों को सदन में उठाते तो कितना अच्छा लगता। अच्छा, क्या ट्वीट किए हैं थोड़ा मैं, ट्वीट वो क्या करेंगे, सभी दर्शक जानते हैं कि क्या ट्वीट कर सकते हैं। तेजस्वी यादव अपराध बुलेटिन जारी करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज ये रहा, आज अपराध हुए हैं बिहार के राजधानी पटना में, मर्डर हो गया, बिहार के इन जिलों में ताबड़तोड़ गोलियाँ चली। मुझे लगता है कि अब तेज प्रताप करते हैं ये ब्लॉगिंग, तेजस्वी को भी आ जाना चाहिए ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए। वो लिखते हैं कि हर जिले से आ रही चीख और गोलियों की आवाज़, ये है बिहार में डबल इंजन एनडीए का महाचौपट राज। देखिए थंबनेल भी बड़ा अच्छा इन्होंने दिया है, लिखते हैं कि बिहार में चहुओं से आ रही चीखें, गोलियों की आवाज़ें, लहू से लथपथ सड़कें और गलियां एवं खून से सने अखबार दर्शा रहे हैं। देखिए दर्शा रहे हैं प्रदेश में महाजंगल राज है, एनडीए के लिए मंगल राज की यही वास्तविक परिभाषा है। विगत कुछ दिनों के आपराधिक घटनाओं की छोटी सी सूची है, और ये ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, ये छोटी सी सूची है, छोटी सी सूची है, 53 लोगों की हत्या के बारे में तेजस्वी यादव डिटेल लिखे हैं। मधुबनी, बेगूसराय, पटना, सिवान, ससाराम, आरा, उसके बाद कई जगहों पर कांवड़ यात्रा के दौरान बांका के कटोरिया, सीतामढ़ी, जमुई, रोहतास, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेतिया, उसके बाद अब लिखते हैं कि कैमूर, उसके बाद आप देखिएगा पटना में ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ 6 दरिंदों ने किया गैंग रेप, बताइए। रोहतास में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, बिहार में जहरीली शराब से एक युवक की मौत। जहरीली शराब का तांडव मुझे लगता है कि एक बार महागठबंधन के लोगों को याद कर लेना चाहिए, उनकी ही सरकार में छपरा में मढ़ौरा में कितने, एक मतलब समझिए तो हम वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट में गए थे, एक पूरा गांव कहीं ना कहीं इस जहरीली शराब कांड के चपेट में आ गया था, तब ये बात क्यों नहीं लिखते थे, आज लिख रहे हैं जहरीली शराब कांड से वो मर रहे हैं। उसके बाद मढ़ौरा में युवक युवती की हत्या, पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की हत्या, बाढ़ में किशोर की हत्या, गोपालगंज में राजद के पंचायत अध्यक्ष की निर्मम हत्या, ये सब बात अगर वो सदन के अंदर उठाते तब लगता कि नेता प्रतिपक्ष अपना काम कुछ अच्छे ढंग से कर रहे हैं। सदन में उठाना उनके लिए बेहद ज़रूरी था ये सब मैटर। तेजस्वी यादव को यही मौका मिलता है कुछ काम करने का, लेकिन क्या होता है कभी कभी तेजस्वी गायब हो जाते हैं बिहार में। अब 15 अगस्त से उनका एक यात्रा शुरू हो रहा है, उस यात्रा से पहले उन्होंने सोचा कि चलो जितना हो सके खा पी के थोड़ा सा बलवान हष्ट पुष्ट हो जाए ताकि यात्रा बिहार में अच्छे से हो सके। नीतीश कुमार को जवाब देना है कि देखिए आप नहीं घूमिएगा हम घूमेंगे, सीएम बनना है हमको, भले सदन में रहें ना रहें, भले ही सदन में आवाज़ उठाए ना उठाए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। और क्या एसी उसी गाड़ी में जाते हैं वो, हाँ, वो तो बाहर निकलेंगे, खाते भी हैं उसमें चाट पकौड़ी पता नहीं क्या क्या खाते भी हैं। अच्छा सुन, तेजस्वी यादव जो है इतने तमाम मुद्दों को लेकर बुलेटिन जारी कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर शौक में है कि सुनील सिंह को लेकर उनका कोई अभी तक ट्वीट जारी नहीं हुआ। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, सुनील सिंह पर क्यों सवाल जवाब करेंगे, उनसे क्या मतलब है सुनील सिंह के, जब तक मतलब था तब ने निकल गया, अब तो नीतीश कुमार को बुलाना भी होगा तो सुनील सिंह आएंगे, सुनील सिंह रहेंगे तो नीतीश कुमार देखेंगे अरे तेरे वो फिर वहीं बैठा हुआ है, हम नहीं जाएंगे हटिए, फिर वापस घर में अंदर, बैक टू पवेलियन। तो नीतीश कुमार के लिए वो अड़चन थे, वो अड़चन को उन्होंने दूर किया। हालांकि सुनील सिंह अपनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, आज ही हमारे सहयोगी शुभम वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम सड़क पर रहेंगे। अगला हमारा विषय भी यही था चर्चा का कि अब हम सड़क पर उतर के जो हैं वो अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। नीतीश कुमार को भी जाना चाहिए, नीतीश कुमार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं को बोला है उन्होंने, पुरुष और महिलाओं के संबंध के बारे में खुलेआम बोला है क्या होता है क्या नहीं होता है। इतना ही नहीं, कई बातें उन्होंने कही, नीतीश पर भी जबरदस्त आरोप लगाते हैं। तो तेजस्वी यादव को क्या मतलब है अपने कार्यकर्ताओं से, उनकी भले कुछ भी हो जाए उनके साथ, उनको बस अपनी कुर्सी सेफ रहनी चाहिए। आएंगे नीतीश कुमार तभी तो डिप्टी सीएम कहलाएंगे ना, डिप्टी सीएम कहलाना है उनको, तो बिहार का हटा दिए सुनील सिंह को, डिप्टी सीएम कहलाना है। तो ये देखिए तेजस्वी यादव बहुत मतलब काबिल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा पॉलिटिकल उनका सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से वो बिहार में
आप युवाओं को एक तरीके से कहें तो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस पर सीरियसली ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। नेता विरोधी दल हैं, बिहार के युवाओं में एक अच्छी पहचान तेजस्वी यादव की है, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, राबड़ी देवी के बेटे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा मौका था अपने आप को सदन में, मतलब सदन के अंदर जा कर के सारी बातों को रखने का। और आते तो थोड़ा मजा भी आता, हम लोग भी थोड़ा सा देखते कि हाँ फाइटिंग हो रहा है, न्यूज भी चलाते थोड़ा सा, मतलब हेडलाइन लाइन बनता हम लोग का भी, लेकिन आए ही नहीं, नीरज चला गया। ये मानसून सत्र पूरी तरीके से चौथे दिन आने के बाद भी नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, उम्मीद था कि लास्ट दिन आएंगे तो कुछ खबर हम लोग भी निकालेंगे कटिंग करके, लेकिन आए ही नहीं, खबर बना ही नहीं। अच्छा, रतनेश, दिलीप जायसवाल कल प्रधानमंत्री से मिले और आज सुबह सुबह पटना पहुंच गए। दिलीप जायसवाल को एक खास मकसद से बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे सहयोगी शुभम आज दिन भर, कल दिन भर जो है वो बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने एनालिसिस किया, बताया भी कि बीजेपी जो है बहुत सारी रणनीतियों पर काम कर रहा है। सम्राट चौधरी की वजह से लौकिक समीकरण नहीं आ पाया, लेकिन देखिए कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी अगर हटाए जाएंगे बीजेपी के अंदर से तो बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा, तो रहते हुए कौन सा, मतलब बीजेपी को बड़ा वोट मिल गया। 16 सीटें 17 सीटें आई थी पिछली बार, अश्विनी चौबे ने भी बोले 17 सीटें आई थी, इस बार तो 12 पर आके अटक गया। अगर सम्राट चौधरी रहते कमाल करते, लौकुश समीकरण इतना ही, लौकुश सुहा कोइरी इतना ही ज़्यादा सम्राट पर भरोसा अगर करते हैं तो शायद वो 17 सीटें बीजेपी के लिए सेफ हो जाती, लेकिन 17 सीटों में सिर्फ 12 सीटें, 5 सीटें घट गई। तो देखिए बीजेपी को भी ऐसा लगता है, क्योंकि बाबा से हम चर्चा कल ही कर रहे थे कि जो संजय जायसवाल थे बनिया का एक वोट बैंक, कहीं ना कहीं बीजेपी की लाज पिछली बार बचा ली थी, तो 2019 का वो पैटर्न और 2024 का पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ था बीजेपी के लिए भी, तो वो एक बार फिर से बनिया को ला करके वो एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। बीजेपी को ये लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब 17 सीटों से 12 सीटें जनता पहुंचा सकती है तो 25 में क्या होगा। हाँ। वैसे भी आपने देखा कि 12 लोकसभा सीट पर 72 में 12 लोकसभा सीट में 72 जो है जदयू के पास है विधानसभा, 72 बीजेपी के पास है, 72 सीटों में मात्र 65 से 67 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है, 72 का 72 100% स्ट्राइक रेट विधानसभा का जदयू के पास है। तो ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है कि भाई हमारे वोटर्स हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, 65 सीटों पर हमें समेट दिया विधानसभा में, लीडिंग में जदयू चल रही है, जदयू भले ही 12 सीट पर जीती है लेकिन वो अंदर अंदर खुश है कि विधानसभा में एक बहुत बड़ा हम मतलब फतह कर सकते हैं। बीजेपी से तो वो आगे ही है, आगे है, बिल्कुल आगे है, और इस बार भी अगर ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी तो मुझे लगता है विधानसभा में जदयू बहुत अच्छा कमाल करेगी। अब तो चिराग भी साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में है, मांझी भी साथ में है, अब तो उनके लिए कौन है सीधे लड़ाई लड़ने के लिए, तेजस्वी यादव हैं, कुछ हद तक प्रशांत किशोर डैमेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रशांत किशोर 2025 में बहुत ही ज़्यादा कमाल नहीं कर पाएंगे, कमाल करेंगे लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कह दिया जाए, वोट बिल्कुल काटेंगे, एक्सट्रीम लेवल पर कहा जाए कि वोट काटेंगे प्रशांत किशोर, तो ऐसा लगता हुआ मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहा है। प्रशांत किशोर राजनीति में आए, मतलब लड़ाई अच्छा देंगे, फाइट अच्छा करेंगे, लेकिन जदयू के वोटों को डैमेज कर ले इतनी जल्दबाजी और इतना मतलब कहना जल्दबाजी हो जाए कि जदयू को मतलब दम है, अच्छा है, रणनीतिकार हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, कितने निर्दलियों को उन्होंने समर्थन किया बिहार में, जीत गए हैं, शंकर सिंह हैं, सारण स्नातक क्षेत्र से आने वाले एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, मुस्लिम थे, वो MLC बने हैं, इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो जुड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उन्होंने तोड़ लिया, आनंद मिश्रा को उन्होंने अपने पास रख लिया, कई लोग हैं, मंगनीलाल मंडल की पुत्री भी, पोत्री हैं शायद वो भी हैं उसमें, कर्पूरी ठाकुर की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब गेम चेंजर साबित हो सकते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन जदयू के वोट बैंक को काट ले ये बहुत ज़्यादा मतलब कहना जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि जदयू बड़ी मजबूत स्थिति में आगे बढ़ा है अभी, दिखा बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश, देखिए तमाम मुद्दों पर हमने हमारे सहयोगी रत्नेश से बात की, फिलहाल रातों रात में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।